আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমি তসলিম। অ্যামনেস্টির লাস্টে এসে আপনারা যে নিউজটি পেয়েছেন সেটা আসলে কি সত্যি নাকি মিথ্যা, সে বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি। এর আগে আপনি একটি ভিডিও দেখে আসুন। सब लोग आज के बाद दो महीने का एमनेस्टी फिर ज्यादा किया। दो महीने तक आप लोग का जो भी कुछ भी मसला है दो महीने के अंदर अंदर सही करने का, और जो जितना बंदा इधर आया हुआ है आज भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। आप लोग दो महीने का एक्सटेंशन था पहले, दो महीने का एमनेस्टी आज तक था, आज खलास था अक्टूबर का, दो महीने के बाद आप लोग अभी भी कर सकते हैं। सब आदमी जो बंदा आया हुआ है आज कर सकता है। जो बंदा तकलीफ है वीजा का तकलीफ है, दो महीना तक टाइम है, दो महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जितना भी बंदा इधर आया हुआ है आज करके जा सकते हैं। अगर नहीं है आपका टाइम नहीं है तकलीफ है कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, दो महीना तक आ सकते हैं। समझा? यस सर, थैंक यू। सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, आप लोगों के पास चांस है। दो महीना अभी और ज़्यादा हो गया, आज आखिरी दिन था, लेकिन यूए गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए हमेशा आसानी पैदा करने के लिए, आप लोगों के लिए आउट पास बनाने के लिए, आप लोगों का फाइन जो है ख़त्म करने के लिए सब कोशिशें जारी हैं, क्योंकि हम लोग इंसानियत का देश हैं और इंसानियत का देश हमेशा इंसान पर कायम है। और जैसा हम बोला है हमारा प्रेसिडेंट, हमारा यूए लीडर्स सब आप लोगों के लिए हैं, इसीलिए आप लोगों के पास अभी दो महीना और है। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি দেখেছেন এবং আমি আপনাদেরকে আরও বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল এবং নিউজ পোর্টালের স্ক্রিনশট আপনাকে দেখাচ্ছি। তো সবশেষে বলবো আপনারা এই দুই মাস সময় পেয়ে আপনারা অনেক উপকৃত হওয়ার কথা। সো যারা এখনও পর্যন্ত অবৈধ আছেন তারা খুব শীঘ্রই আপনাদের বৈধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং আমি বলবো আপনাদের প্রত্যেকের বিচার প্রসেসিং সম্পূর্ণ করার জন্য। সবশেষে আমি আরেকটা বিষয়ে আপনাদেরকে অবগত করতেছি, সেটা হচ্ছে যারা ক্যান্সেল করে ফেলছেন কিন্তু ক্যান্সেলের কারণে অনেকে দেখা যাচ্ছে মানে বলতেছে ক্যান্সেল ভিসা হচ্ছে না। হ্যাঁ, ক্যান্সেল ভিসা হচ্ছে না বলতে যাদের হাই প্রোবেশন ভিসা লাগাতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই লাগাইতে পারবেন, তাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। যারা হাই প্রোবেশন করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, আমরা করে দিতে পারবো।